नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और शायद आप लोगों को जो तीन चार दिनों से मैं लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माझी को महागठबंधन से बाहर ही मानिए, उस बात पर मुहर भी लग गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, महागठबंधन में भगदड़ शुरू हो गई है। जो आकलन हमने बहुत पहले किया था कि सीटों के समझौते पर नहीं बनेगी बात, वही हुआ है। खबर पुख्ता तौर पर आ रही है कि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। एसटी कल्याण विभाग से जो जुड़ा हुआ था नीतीश कुमार के बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट से, उस मंत्रालय से मांझी जी के पुत्र ने अभी इसी वक्त इस्तीफा दे दिया है। ये तब आ रहा है बयान जब मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया था कल ही कि वो लोकसभा के किसी चुनाव को लड़ना नहीं जा रहे हैं, महागठबंधन से कम नहीं लड़ेंगे एक भी सीट पर। इतना ही नहीं, आपको याद होगा मांझी जी की जब मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी, इस दौरान उन्होंने बाहर आकर ये कहा था कि मैं महागठबंधन से बाहर नहीं जा रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे हिंट्स दिए थे जिससे लग रहा था कि वो महागठबंधन में अब सहज नहीं है। बताया जा रहा था कि विजय चौधरी के माध्यम से जो विलय का प्रस्ताव है मांझी जी की पार्टी का जदयू में, वो भी नीतीश कुमार ने भेज दिया था। ऐसे में मांझी जी इस अपमान के घूंट को नहीं पी सकते थे। आपको हमने पूर्व में भी कहा था कि एनडीए से जीतन राम मांझी को चुनाव लड़ने के अलावा उनके पुत्र को केंद्र में मंत्री बनाने का भी ऑफर आ रहा था, जिसे उन्होंने अंदर ही अंदर स्वीकार कर लिया है। अब मांझी जी को केवल यह फैसला करना था कि नीतीश कुमार का साथ कब किस वक्त छोड़ना था। इसको लेकर उन्होंने 23-24 तारीख की एक मियाद भी रखी थी। आपको पता होगा कि विपक्ष जुटता को लेकर 23 तारीख का एक दिन तय हुआ है, जिस दिन मांझी जी को न्योता तक नहीं दिया गया विपक्ष की इस बैठक में। यानी मांझी जी के साथ लगातार अन्याय इस महागठबंधन में चल रहा था। पूर्णिया की मंच से, रैली से जो नीतीश कुमार ने वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। अंततः जो सब्र है वो जवाब दे गया और मांझी जी ने अपने पुत्र से इस्तीफा दिलवा दिया है नीतीश कैबिनेट से। यानी इस वक्त जब आप ये खबर देख रहे हैं, संतोष मांझी अब मंत्री नहीं रहे, आगे की रणनीतियां जल्द ही स्पष्ट करेंगे। तुरंत उनकी बैठक, एक बड़ी बैठक उनकी दिल्ली में अमित शाह से होने वाली है। खबर आ रही है कि एनडीए के बिहार भाजपा के नेता उनसे मुलाकात तक करने जा रहे हैं और इस सारी डील पर जल्दी ही आप देखिएगा कि एक फाइनल रिजल्ट आता हुआ दिखेगा और मांझी एनडीए की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है नीतीश कैबिनेट से। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।